बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां हजरतगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह की गुड नेटवर्किंग एक बार फिर आई सामने। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में हजरतगंज पुलिस ने विगत 6 वर्षों से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामिया ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठग विकास यादव उर्फ अरुण यादव बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनाईपुर का निवासी है, जिसने कई सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर कई बेरोजगारों को 80 लाख रुपए हड़प कर फरार हो गया था। इस ठग ने लगभग 48 बेरोजगारों को ठगी का शिकार बनाया था, जिसके विरुद्ध हजरतगंज थाने में वर्ष 2018 में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विगत 6 वर्षों तक वह पुलिस के साथ तू डाल डाल में पात पात का खेल खेलता रहा, किंतु उसे कानून के लंबे हाथ का अंदाजा नहीं था। विगत वर्ष 2023 में इसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा NBW जारी कर CRPC 82 के तहत कार्यवाही भी की गई थी, किंतु कानून के लंबे हाथ ने आज उसे दबोच लिया। हजरतगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में SI सुरेंद्र सिंह, SI अंकित सिंह बालियान, कांस्टेबल गब्बर सिंह, कांस्टेबल उदय प्रताप ने आज दोपहर नेहरू एनक्लेव गोमती नगर से शातिर ठग विकास यादव उर्फ अरुण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ा विकास यादव बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कूट रचित नियुक्ति पत्र जारी मोटी रकम हड़पने के बाद फरार हो जाता था।